नमस्कार दोस्तों, ब्रिटेन में आजकल कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। यूरोपियन देशों ने यूके से लगने वाली अपनी सारी सीमाएं सील कर दी है, जबकि भारत समेत कई देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाली सारी हवाई यात्राएं स्थगित कर दी है। तो आइए जानते हैं कि कैसे पैदा हुआ कोरोना वायरस का ये नया रूप और क्या वाकई में ये खतरनाक है या नहीं, इसका पूरा वैज्ञानिक सच मेरे साथ डॉक्टर की बात में। डॉक्टर की बात। दोस्तों आइए सबसे पहले समझते हैं कि ब्रिटेन में सार्स कोविड 2 यानी कि कोविड 19 पैदा करने वाले इस वायरस का नया स्वरूप कैसे पैदा हुआ। तो दोस्तों, कोरोना एक आरएनए प्रकार का वायरस है, जिसके अंदर आसान भाषा में कहे तो 30,000 से ज़्यादा जननिक संकेत या कोड होते हैं। जैसे जैसे रोग आगे बढ़ता है और कोरोना एक इंसान से दूसरे इंसान में घूमता रहता है, तो इस कोड के अंदर भी कई बार थोड़े बहुत बदलाव होते हैं। इससे वायरस का नया प्रतिरूप या प्रकृति बदलती रहती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे म्यूटेशन कहते हैं। वुहान में सबसे पहले मिले वायरस के कोड में जब 24 जीनों का बदलाव महसूस किया गया, तो उसे अब नाम दिया गया लंदन स्ट्रेन। लंदन स्ट्रेन कहा जाने वाला यह वायरस मूल कोरोना वायरस का ही प्रतिरूप है। वुहान से निकले मूल रूप की अब तक 30 से ज्यादा प्रतिकृति यानी स्ट्रेन देखने को मिली है। तो इस तरह से वायरस का म्यूटेशन कुदरती एवं न रोके जाने वाली घटना ही है। आइए अब जानते हैं कि सार्स कोरोना वायरस 2 का ये लंदन स्ट्रेन आखिर इतना हड़कंप क्यों पैदा कर रहा है, क्यों इससे सब लोग डर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक यह वायरस पुराने वायरस के मुकाबले लोगों में कितना प्रभाव पैदा करता है या इसकी कितनी घातक असर होती है, इसको लेकर खास आंकड़े तो हमें प्राप्त नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके अंदर ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। किंतु दोस्तों, वायरस के इस नए प्रतिरूप के अंदर पुराने कोरोना वायरस रूप के मुकाबले फैलने की या फिर संक्रमण करने की शक्ति लगभग 40-70% तक ज़्यादा है। इसके कारण ये बहुत थोड़े ही समय में कई सारे लोगों को संक्रमित कर सकता है। और सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितना ज़्यादा संक्रमण फैलेगा उतने ज़्यादा मरीज पैदा होंगे, और इतने सारे मरीजों को जब अस्पताल में दाखिल करने की नौबत आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वायरस की संक्रमित होने की क्षमता इसका सबसे बड़ा हथियार है, और शायद इसी कारण इस लंदन स्ट्रेन से इतना हड़कंप मचा हुआ है। आइए अब जानते हैं उन बातों के बारे में कि जिसको लेकर के आपके मन के अंदर भी कई प्रश्न उठ रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न कि वायरस के इस नए स्वरूप को क्या पुराने टेस्टों से अब जांचा परखा जा सकता है कि नहीं, या फिर इसके लिए कोई नए टेस्ट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल जवाब है कि पुराने सारे हमारे टेस्ट, जैसे कि रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर आरटीपीसीआर या फिर कई मामलों के अंदर प्रयोग में लाए गए ट्रू नाट या सीबी नाट टेस्ट भी आज भी इस वायरस के नए बदले स्वरूप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इस वायरस के स्वरूप को जांच सकते हैं आसानी से और परख भी सकते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या दुनिया भर में उपलब्ध वैक्सीन इस नए प्रतिरूप के सामने रक्षा दे सकेगी या नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब भी आसान है। जब भी वैक्सीन निर्माता वैक्सीन का निर्माण करते हैं तो भविष्य में होने वाले वायरस के म्यूटेशन को हमेशा ध्यान में रखते हैं, और इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी तक तो ये मान के चल रहे हैं कि जितनी भी वैक्सीन आजकल उपलब्ध है वह सारी वैक्सीन इस बदले प्रतिरूप के सामने भी मानव शरीर को रक्षा देने में कामयाब होगी। तो इसलिए सबसे अनुरोध है कि जब भी आपको वैक्सीन लगवाने का मौका मिले तो अपने आप को वैक्सीन लगवाने से न हिचकिचाए। तीसरा प्रश्न, वायरस के इस नए रूप से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें ये जानना होगा कि लंदन स्ट्रेन भी सार्स कोवी 2 वायरस का ही एक नया प्रतिरूप है। इसलिए हम सबको
हमारी सारी मूलभूत नीतियां जो कि हम कोरोना वायरस के सामने अखत्यार कर रहे थे उन्हें चालू रखना पड़ेगा, जैसे कि 2 गज की दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना और अपने हाथों की स्वच्छता का पूर्ण रूप से ख्याल रखना। और इसके साथ भारत सरकार के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले सारे नियम और निर्देशों का पालन करना। इसी से हम अपने आप को बहुत आसानी से इस वायरस के खिलाफ भी बचा सकते हैं। क्या हम इस वायरस को भारत में आने से रोक सकते हैं? दोस्तों, इस वायरस के नए प्रतिरूप के बारे में हमारी जानकारी करीबन 2 हफ्ते पुरानी है, यानी कि यह वायरस करीब 2 हफ्ते या उससे पहले से भी सक्रिय हो सकता है। इसलिए ब्रिटेन से आने वाले करीबन 15 दिनों में आए हुए सारे यात्रियों की जांच पड़ताल एवं टेस्टिंग होना स्वाभाविक है और इसी दिशा में भारत सरकार ने अपने कड़े कदम उठाए हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट के ऊपर ब्रिटेन और यूके से आने वाले सारे यात्रियों की जांच पड़ताल एवं कोरोना टेस्टिंग की जा रही है, जिससे कि हम भारत के अंदर इस वायरस को आने और फैलने से रोक सके। आइए हम सब मिलकर इस वायरस को भारत में आने और फैलने से रोकें। क्या हमें इस नए रूप से डरना चाहिए? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की रोकथाम ही कोरोना वायरस से बचाव है। इससे डरने की बजाय इसका सामना करते हुए हमें सुरक्षा के सारे नियम, जैसे कि 2 गज की दूरी, मास्क का उपयोग एवं हैंड सैनिटाइजेशन का पूरी निष्ठा से पालन करना होगा। कोरोना वायरस जैसे वायरस में कुदरती रूप से ही बदलाव आना स्वाभाविक है। ऐसा कई वायरस में इससे पहले भी हम देख चुके हैं, इसके बाद भी आने वाले समय में वायरस के रूप में कई बदलाव आ सकते हैं। बस हमें अपने आप को इसके लिए तैयार रखना पड़ेगा और यह हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं यदि हम अपनी आदतों पर नियंत्रण रखें और जब भी हमें मौका मिले हम वैक्सीन की मदद से अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो आइए सही मायनों में कह देते हैं गो कोरोना गो और अपने भारत को बनाते हैं कोरोना से मुक्त भारत। अपने और अपने परिवार का खास ख्याल रखें। जय हिंद।